खादिम रिजवी की कॉल पर कारकुनों ने सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी। चीफ जस्टिस का चीचावत्नी में 8 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल का नोटिस। जड़ावाला की 7 साल मुबशरा की कब्र कुशाई, मकतूला का दोबारा पोस्टमार्टम। मेडिकल रिपोर्ट के लिए नमूने फ्रांसिक लैब लाहौर भिजवाए जाएंगे। लाड़काना में गुलुकारा का कत्ल, मुलजिम तारिक जतोई का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड। गुलुकारा के कत्ल के खिलाफ कनकोट और सखर में फनकारों का एहतजाज। इंसानियत फिर शर्मा गई, सरगोधा में भी ज्यादती और वीडियो की कहानी सामने आ गई। मुलजिम बच्चों से ज्यादती के बाद वीडियोज इंटरनेट पर डालते रहे, मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान में भी 500 बच्चों से ज्यादती के वीडियो सामने आने का इंकशाफ। बच्चों से ज्यादती करने और वीडियोस बनाने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार, 5 वीडियोस बरामद। मीडिया कमीशन केस, फवाद हसन फवाद तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा पैमरा रकीन के तकरूर में हुकूमती अमल दखल नहीं होना चाहिए। हामिद मीर ने कहा तरमीम का मुसविदा मीडिया कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जायजे का इंडिया दे दिया। बैरूनी असासों के केस की भी जल्द समाप्त होगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है पीआईए को 360 अरब का नुकसान हुआ। पीआईए के साबिक सरबराहों के बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। नवाज शरीफ के खिलाफ पीआईए से मुतालिक तौहीन अदालत की 3 दरख्वास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हज कोटा के मुतालिक 1 दरख्वास्त भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कार्ड की फीस में इजाफे का केस। पैसा नहीं होगा तो नादरा का हाल, पीआईए जैसा होगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गैर रजिस्टर्ड करोड़पति अफराद के घर घेरा तंग, एफबीआई ने रिकॉर्ड मांग लिया। नवाज शरीफ का कहना है मेरे खिलाफ केस में कुछ है ही नहीं। अकामा पर फैसला गलत साबित हो गया, नैब का झूठ सामने आ गया, नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों की पहली तरजीह नून लीग है। नवाज शरीफ ने मुकदमे के दौरान दम दरूद के लिए नई बच की खिदमात हासिल कर ली। एवनफील्ड रेफरेंस की समाप्त, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी पेश। क्या कोई खास मेहमान अडियाला जेल आ रहा है, सहाफियों का कैप्टन सफदर से सवाल। कैप्टन सफदर ने कहा जेल में अहम मेहमान परवेज मुशर्रफ भी हो सकते हैं। चौधरी निसार की बात पर कुछ नहीं कहूंगा, परवेज रशीद का सवाल पर जवाब। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो तहरीक, घर घर पहुंचाने का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, सेमिनार कराने पर भी गौर। शहबाज शरीफ से जनूबी पंजाब के मजीद कई अराकीन, असेंबली की मुलाकात। वजीर आला का कहना है जनूबी पंजाब हकीकी तरक्की की तरफ गामजन हो चुका। कप्तान का सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वाले अराकीन, पार्टी से निकालने का ऐलान। इमरान खान का कहना है पाटा रिफॉर्म्स मौलाना और अचकजई के बायस नहीं हो सकी। डस्का में कारकुन ने इमरान खान के लिए 40 तोले सोने का ताज बनवा लिया। नैब ने अमीर मुकाम के अकाउंट्स की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक को खत लिख दिया। अमीर मुकाम कहते हैं उन्हें मीडिया से पता चला कि उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। चेयरमैन नैब का चिन्हूत में मादरी जखायर के ठेकों में घपलों की तहकीकात का हुक्म। साबिक वजीर आजम जफरुल्ला जमाली ने पंजाब के 3 सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली में चू चू का तस्करा, श्री मजारी के रिमार्क्स पर नारे। श्री मजारी ने कहा जब भी बोलती हूँ हुकूमती अराकीन चू चू करती है।
निगरान, वजीर आजम के लिए इशरत हुसैन, हफीज पाशा, डॉक्टर शमशाद के नामों पर गौर। हुकूमत अपोजिशन लीडर के साथ पहले मरहले पर नाम फाइनल करने के लिए कोशां। खुर्शीद शाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुशावरत करेंगे। वजीर आजम भी निगरान वजीर आजम के नाम पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। इक्तिसादी कमेटी की गैस मंसूबों के लिए 14 अरब 80 करोड़ मुख्तस करने की मंजूरी। पीएससी अराकीन का इस्लामाबाद व्यू एयरपोर्ट का दौरा, खुर्शीद शाह ने पौधा लगाया। खुर्शीद शाह का न्यू एयरपोर्ट को भी बेनजीर भुट्टो से मंसूब करने का मुतालबा। बिजली चोरी से 100 अरब का नुकसान हो रहा है, अवैस लगारी का असेंबली में इंकशाफ। जो अपने बुढ़ापे के सहारे को